सिद्ध करें कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न क्लास 10 के मैथमेटिक्स से है और ये है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या से है और खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सिद्ध करें कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। हमको यह सिद्ध कर देना है कि रूट पांच जो है अर्थात रूट फाइव जो है एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या आप जानते हैं, परिमेय संख्या वे होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या वे होते हैं जिन्हें हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हमको यह सिद्ध कर देना है कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट पांच को जो है परिमेय संख्या मानेंगे। यहां पर लिखेंगे माना रूट पांच एक परिमेय संख्या है। इसे हम परिमेय संख्या मान लिए। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय का जो नियम शर्त है उसका ये पालन करेगा। तो यहाँ पे लिखिए इसीलिए रूट पाँच बराबर पी बाई क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होता है। और यहाँ पे लिखिए जहाँ पी और क्यू एक सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ पे समझने वाली बात है कि P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। ये पूर्णांक है, पूर्णांक आप जानते हैं पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों होते हैं और बीच में जीरो भी होते हैं। तो पूर्णांक जो है ये P और Q है और ये सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य आप जानते हैं, सह अभाज्य वे संख्या होते हैं जिनका मौसा एक हो, यानी कि दो संख्या लीजिए और दोनों का मौसा यदि एक आ जाए तो ये दोनों सह अभाज्य संख्या होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 7 और 9 लेते हैं और इसका मौसा करते हैं, तो 7 से आप जो है 9 में भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 यानी कि 9 में 7 गया 2 और 2 से भाग दीजिएगा इसमें ना 7 में तो 2 × 3 = 6 यानी कि 1 आएगा और 1 से जो भाग दीजिएगा इसमें 2 में तो 2 बार में कट जाएगा, ये ना कट जाएगा। तो यहाँ पे मौसा 1 आ रहा है। अगर दूसरा लेते हैं हम, जैसे 6 और 8 लेते हैं तो 6 से भाग दीजिएगा 8 में ना, तो 6 × 6 यानी कि 2 और 2 से 6 में दीजिएगा तो 2 × 6 = 6 यानी कि इसका मौसा 2 आ रहा है। ये इसका जो है HCF 2 है और इसका HCF कितना है, 1 है। तो ये दोनों सहभाज्य है, ये दोनों सहभाज्य चूंकि इसका HCF 1 है और ये दोनों सहभाज्य नहीं है चूंकि इसका HCF जो है 2 है, यानी कि 2 इसमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है और इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है 1 के अलावे, ठीक है। तो ये दोनों सहभाज्य है, ये नहीं है। तो यही यहाँ पे समझने वाली बात है कि P और Q जो है सहभाज्य है, यानी कि P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर आता है तो वह जो है ये P बटा Q जो हम लिखे हैं ये परिमेय संख्या नहीं होगा और परिमेय हो जाएगा। कहीं पे भी आता है P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो उस समय ये परिमेय नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते अब या लिखेंगे, यह आगे बढ़िए और दोनों तरफ क्या कीजिए, वर्ग कर दीजिए। लिखिए रूट पाँच स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर और यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, दोनों पक्ष में हम वर्ग कर दिए। या लिखिए यह ये हो जाएगा रूट पाँच का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। या लिखिए या ये क्यों स्क्वायर है इधर ना, भाग के रूप में इधर लाएगा तो गुना में आएगा, तो लिखिए 5 यहाँ पे पी लिखा गया, क्यों लिखना है, ठीक है, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। और यहाँ पे लिखिए ये समीकरण 1, इसको आप 1 समीकरण लिखिए। और यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैं, देखिए ये दोनों बराबर है और ये क्यू है, ये क्यू स्क्वायर का गुणांक 5 है। जब क्यू स्क्वायर का गुणांक 5 है तो पी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो स्पष्ट है वो यहाँ पे लिखिए यहाँ क्यू स्क्वायर का गुणांक 5 है, इसीलिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। चूँकि ये दोनों बराबर है विभाज्य होगा तथा पी भी 5 से विभाज्य होगा। जब पी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य होगा तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, भी विभाज्य होगा। यहाँ पे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि पी का एक गुणनखंड 5 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखिए माना पी बराबर 5m, और यह मान जो है समीकरण 1 में डालते हैं पी की जगह। तो यहाँ पे लिखिए यह मान पी का मान 5m मान समीकरण
एक में रखने पर, यह मान समीकरण एक में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण एक में जो है पी की जगह आप रखिएगा 5m, लिखिए 5q² बराबर क्या हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर। क्योंकि हम देखिए यहाँ पे पी की जगह रखे हैं 5m, तो यहाँ तो पी स्क्वायर है तो ये 5m का होल स्क्वायर हो गया। या लिखिए या ये 5q² बराबर ये हो जाएगा 25m², या लिखिए या ये 5 उधर ले जाइए, q² बराबर 25m² बट्टा 5, 5 से काटिए 25, या लिखिए यह q² बराबर ये हो जाएगा 5m², और इसको लिखिए समीकरण 2। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है m² का गुणांक 5 है तो, और ये दोनों बराबर है इसलिए q² जो है 5 से विभाज्य होगा। और इसी तरह लिखेंगे सेम ऐसे ही, यहाँ पे लिखिए 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 यहाँ यहाँ m² का गुणांक 5 है, इसलिए और दोनों जो है बराबर है, देख रहे हैं बराबर है, इसलिए q² 5 से विभाज्य होगा तथा क्यों भी 5 से विभाज्य होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि क्यों का यहाँ पे एक जो है गुणनखंड 5 है। तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या देख रहे हैं कि P का एक जो है गुणनखंड 5 है और Q का भी एक गुणनखंड 5 है, यानी कि 5 जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, लिखिए समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हैं कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यानी कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P और Q का जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो यानी कि हम जो माने थे यहाँ पे P और Q सहभाज्य है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों सहभाज्य नहीं है, इसके बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः लिखिए यहाँ पे आप लिखिए अतः P और Q सहअभाज्य नहीं है, ये सहभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, ये सहभाज्य नहीं है, ठीक है। अतः लिखिए इसलिए हमारी मान्यता गलत थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया।